हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत ड्राइविंग लाइसेंस। कुवैत ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, और अगर आप बुकिंग करा रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल सी बात है, सभी लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन कुवैत में आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाने जाओगे ना भाई, तो आपको मोटरसाइकिल का अलग लाइसेंस बनता है, फोर व्हीलर का अलग लाइसेंस बनता है, हैवी कैटेगरी का लाइसेंस अलग बनता है। फोर व्हीलर वाला बंदा हैवी कैटेगरी की गाड़ी को नहीं चला सकता, टू व्हीलर वाला बंदा फोर व्हीलर गाड़ी को नहीं चला सकता, हैवी कैटेगरी की ट्रक ट्राला को नहीं चला सकता। उस लाइसेंस के बेस पे जो आपका लाइसेंस बना है, उसी हिसाब से आपको गाड़ी को यहाँ कुवैत में ड्राइव करना है, ठीक है। इसके बाद हैवी कैटेगरी का लाइसेंस जिसके पास होता है, वो हैवी गाड़ियों को तो ड्राइव करता ही करता है, इसके लिए वो और छोटी गाड़ियों को भी ड्राइव कर सकता है, क्योंकि उसके लाइसेंस के पीछे उसकी गाड़ी चलाने की अथॉरिटी का सिस्टम पूरा एक फ़ोटो के हिसाब से रहता है कि कौन कौन सी गाड़ियाँ आप चला सकते हो। और दूसरे नंबर पे बात करूँ मैं, जिसका कार का लाइसेंस बनता है, वो टू व्हीलर और फोर व्हीलर कुवैत में दोनों चला सकता है। उसके लाइसेंस के पीछे एक तस्वीर बनी होती है जहां पर दोनों चीजें, वो चीज इंडिकेट की जाती है। ये तो हुआ एक सिस्टम। चलिए अब बात कर लेते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। वैसे फिलहाल मैं आपको बता दूं सरसरी तौर से, 18 वर्ष से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन मैं यहाँ तीन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल और प्राइवेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की लाइसेंस अप्लाई करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। एक नॉर्मल सा छोटी सी वीडियो में आपको समझना ज़रूरी है। नंबर एक बात, अगर आपको मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, चाहे आप कुवैत के बाशिंदे हों या आप कुवैत से बाहर किसी कंट्री से आकर के इस कंट्री में जॉब के पर्पज से आ रहे हो, तो लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कैटेगरी में मोटरसाइकिल के लिए 18 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए, 18 से ऊपर ही होना चाहिए, एक चीज। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर जैसे कि कोई भी आदमी जो है फोर व्हीलर गाड़ी कुवैत में चलाता है, चाहे कुवैती घर, चाहे कंपनी में, चाहे जहां, एक नॉर्मल कैटेगरी की छोटी गाड़ी आप चला सकते हो, चाहे वो कंपनी की हो चाहे घरेलू हो, उसे प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उनके प्राइवेट सेक्टर का लाइसेंस बनता है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी 18 वर्ष से कम उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ही होनी चाहिए, तभी आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, नहीं तो होगा नहीं, एक चीज़। दूसरी बात है ये है कि आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, यानी कि ट्राला है, ट्रक है, हैवी कैटेगरी का लाइसेंस अगर आपको बनवाना है, तो हैवी कैटेगरी में आपकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष से ऊपर रहेंगे तभी आपका हैवी का लाइसेंस बनेगा। हमारे इंडिया वगैरह में 18 के बाद जो है कोई भी लाइसेंस आप बनवा सकते हो, चाहे वो हैवी कैटेगरी का हो या टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी हो, वो 18 के ऊपर बनवा सकते हो। लेकिन यहाँ कुवैत में लाइसेंस के हिसाब से एज आपकी, ठीक है, तो 21 वर्ष से कम आपकी नहीं होनी चाहिए हैवी कैटेगरी का, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन की जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं उन गाड़ियों को चलाने के लिए। अब कंस्ट्रक्शन में जो है वो आपकी सड़क बनाने से लेकर के और हैवी कैटेगरी की जितनी भी गाड़ियाँ होगी वो सब इंक्लूड होती हैं। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो ली है आपको, मैं बताता चलो, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट से ली है कुवैत से, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके मोर इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। और ये जो मैं आपको पिक कंटिन्यू दिखा रहा हूँ पीछे बैकग्राउंड में, इस पिक के ज़रिए से आप समझ जाइए कि ये चीज़ ऑफिशियल से उठाई है मैंने, किसी से कहीं सुनी बात नहीं, जो बात है वो एकदम एक्यूरेट बताइए। तो यानी कि हैवी कैटेगरी का लाइसेंस के लिए 21 वर्ष से कम उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन लार्ज इन्फॉर्मेशन कुवैत ड्राइवर्स प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। आप कुवैत ड्राइवर्स की प्लेलिस्ट आप तलाश करेंगे तो आपको वहाँ पर कुवैत से ड्राइविंग टेस्ट से, ड्राइविंग लाइसेंस से, मुखालफे से, यानी कि ड्राइवर्स के लाइन के हिसाब से करीबन 50 वीडियो के आसपास मिलने की संभावना है, जिसमें आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये तो छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको अपडेट दी। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट अपडेट में आपको कुछ ना कुछ न्यू जानकारी मिलेगी कुवैत से रिलेटेड। तब तक के लिए भाई, जय हिंद जय भारत।